अच्छा कितना मेल लाए थे? सारे में 6 गमले। SN Live सच सबसे आगे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका SN Live न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उमर जी। इस वक्त हमारे साथ टुन्ना जी पांडे फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। क्या कहेंगे, सिवान में जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत हो गई है। जिस तरीके से सिवान के जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने अधिकारी पुष्टि करते हुए कहा है कि 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 लोग इस पूरे जो जहरीली शराब की चपेट में आए थे। देखिए, ये तो सरकार की विफलता है। सरकार ने जो नीति लागू की वो नीति धरातल पर कहीं है नहीं, तो ये तो सरकार की विफलता है। सरकार को इसमें देखना चाहिए कि सरकार के एक गलत नीति के चलते कितने लोगों की जान बिहार में चली गई जहरीली शराब से। इसका आरोप किस पर गठित होना चाहिए, ये तो आम जनता को पूछना चाहिए कि जो आदमी नियम बनाया शराबबंदी का, उसको सख्ती से लागू क्यों नहीं किया। और जो जहरीली शराब से लोग अगर मर जा रहे हैं, तो आखिर वो किसका दोषी है? सरकार की तो विफलता है ना, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। कई लोगों ने अपनी आंखें खो दी है टुन्ना जी पांडे, आप लगातार इस तरह के सवाल उठाते हैं, क्या कहेंगे उस परिवार पे, क्या बीतती होगी अभी जिसका नौजवान पति चला गया हो, माँ अपने बेटे को खो दिया हो। जितने सिवान में जो भी जहरीली शराब कांड हुई है या बिहार में जहाँ भी जहरीली शराब कांड हुई है, वो माननीय बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अहंकार की परिणाम है। वो व्यक्ति अपने अहंकार, अपने अक्षमता के कारण वो एकदम निरीह प्राणी बन गए हैं। उनके अगल बगल बैठे वाने वाले लोग ने जो उनसे कर वो किए अपने स्वविवेक से, उन्होंने तो कोई काम किया नहीं जी। अपने स्वविवेक से उन्होंने काम किया 2005 से 2010, सब लोग शाबाशी कहता है, सब लोग तालियां पीटता है। तो जब अच्छा किए तो बाबई आपको, तो गलत भी अगर किए तो उसकी परिणाम तो आप ही को भुगतना चाहिए ना, उसकी जिम्मेदारी तो आपको लेनी चाहिए जी। जी, आपने मानिए 10 काम किया, उसमें से अगर आपका 5 काम सही हुआ, तो इसके लिए हम लोग आपको शाबाशी भी दे रहे हैं और जनता भी कहती है कि बहुत अच्छा राज चला 2005 से 2010। लेकिन जो शराबबंदी आपने जो नीति लागू किया, अच्छी बात है, शराबबंदी के जगह पर नशाबंदी आपको लागू करना चाहिए जी। नशा मुक्त बिहार बनाना चाहिए, शराब मुक्त बिहार, किया गांजा दिखवाइएगा, शराब पर पाबंदी लगाइएगा, क्या होगा जी। आप नशा तो है, हर जगह गांजा मिलता रहता है, गांजा बंद है, लेकिन एक बार भी आप नशा मुक्ति नहीं करा रहे हैं, नशाबंदी बिहार में नहीं करा रहे हैं, सिर्फ दारूबंदी करा रहे हैं। और उसकी आड़ में जितने युवा पीढ़ी के लोग हैं, वो जोड़िए कि बेकार होते जा रहे हैं, सब स्मगलर बनते जा रहे हैं, सब पढ़ाई लिखाई छोड़ करके अब इसी धंधा में लग गए हैं, होम डिलीवरी में, और जिसका नतीजा हुआ कि इतने लोगों की जान चल गई जहरीली शराब से। तो आखिर एक सरकार की नीति बनाने के चलते इतने लोगों की जान गई, तो क्या इसमें न्यायालय को भी संज्ञान में लेना चाहिए कि नहीं जी। हम लोग तो आवाज उठा सकते हैं, न्यायालय को स्वतः इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि सरकार की इस गलत नीति के चलते इतने लोगों की जान गई, इसकी जिम्मेदारी सरकार पर बनती है, तो सरकार पर जिम्मेदारी बननी चाहिए जी। लेकिन जहरीली शराब, सवाल ये उठता है कि जहरीली शराब आखिर वहां पे कैसे आई, कौन लोग बना रहे थे, थाना प्रभारी क्या कर रहे थे, नहीं देखिए भाई साहब, ये प्रश्न हमेशा होती है कि जहरीली शराब कैसी आई, कहां से आई, कौन लाया, कौन बेचा, बस यही बात करके लिपापोती कर दिया जाता है। अरे जहरीली शराब लाने का मेन मकसद रहा शराबबंदी, और शराबबंदी का मेन सरगना रहा माननीय नीतीश कुमार जी की एक नीति जी। तो आपको यहाँ पर जाना चाहिए कौन लाया नहीं लाया। अब थाना प्रभारी पर आप दोषारोपण दे करके और मामला रफा दफा हो जाता है, एसपी को रफा दफा कर दिए, डीएम को जिम्मेदारी दे दिए। अरे डीएम, एसपी, थाना प्रभारी क्या घर घर दारू रोक लेगा जाकर के? इतना आप कितनों थाना बनाया था, अपराध रुका है क्या? कहीं आप हमको बताइए, आप जी उसमें कमी आ सकती है। अब तो आप प्रशासन की
मैंने चौकसी के नतीजा समझिए कि 100 आदमी नहीं मरे, 5 आदमी मरे। जी जी, इस पर तो ज्यादा ध्यान दीजिए ना। इसलिए प्रशासन के ऊपर दोष दे देना और दोष दे करके अपनी पीठ थपथपा लेना, ये नाइंसाफी है। इसमें प्रशासन को हम दोष नहीं दे सकते हैं। सरकार ने जो नीति लगाया, प्रशासन उसको सक्षम से लागू कर रहा है, नहीं लागू हो पा रहा तो सरकार क्या करेगी। सड़क के ढकेले के बाद आज 3 गो आदमी रुपा भेज देनी होमगार्ड के ट्रक के ढकेल ढकेला जाई। जी, ट्रक ढकेले खातिर 3 आदमी ढकेल दी ट्रक। आपको शराबबंदी लागू करना था, उसके बजाबते आपको एक अलग से फोर्स बनाना चाहिए, उसमें जुआओं का अलग से भर्ती करना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी अलग से देनी चाहिए उस विभाग को। अब सब काम मास्टरे लोग कली या सब काम फने कली, अपराधो रोक ली या दारूओ रोक ली या गोजो रोक ली, मारो झगड़ा रोक ली, जमीनों के झगड़ा पर याली। प्रशासन पर क्यों लोग दोष देता है, हमको समझ में नहीं आता है भाई। जी, गलती सरकार की है। जी जी, सरकार ने गलत किया है, सरकार ने गलत नियम लगाया। अब तो इतना ही आपसे कहना कि सरकार ने 3 आदमी को भेज दी जी कि 40 टन के ट्रक में ढकेल, क्या करेगा चौकीदार बताइए, 40 टन का ट्रक ढकेल देगा। जी जी, उसके लिए आपको क्रेन मंगाना पड़ेगा। जी जी, और तब क्रेन से खींचना पड़ेगा। आपको शराबबंदी लागू करना था, एकदम करिए। इसकी सबसे ज्यादा समर्थन अगर कोई करने वाला है तो टूना पांडे है, शराबबंदी का। जी जी, हम नशाबंदी का समर्थन करते हैं पूरे बिहार में। जी जी, माननीय नीतीश कुमार जी छपरा आए थे, मीटिंग में हम लोग बैठे थे और सब लोग विधायक लोग थे, हम भी उस टाइम तत्कालीन MLC थे सिवान से। माननीय नीतीश कुमार जी के सामने हमसे पूछे, हमने कहा सर हम सबसे ज्यादा समर्थन देते हैं। सब लोग हंसने लगा कि भाई ये भी बहुत प्रभावित। हम बोले कि नहीं सर, हम शराबबंदी के सख्त समर्थन में है। हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि बिहार में नशा हो। आप नशाबंदी की हम सब तो नीतीश जी ये कहने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री कि आप दिल से बोल रहे हैं ना टूना जी। हम बोले सर, सर हम कसम से और दिल से बोल रहे हैं कि शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन इसको धरातल पर उतारना चाहिए सर। इसके लिए अलग से फोर्स बननी चाहिए, अलग से। आप बताइए हमसे, बॉर्डर पर लड़ने के लिए BSF RPF CBSE रहता है कि नहीं रहता है? थाने के दरोगा लो जाके लड़ लियो या बॉर्डर पर? नहीं नहीं, स्टेट पुलिस को। आपने आपने शराबबंदी लागू किया, अच्छी बात है। इसके लिए आपने कोई नियम कानून नहीं बनाया, आपने कोई व्यक्तिगत बैठ करके इसका कोई अलग से कुछ व्यवस्था नहीं किया कि शराबबंदी कैसे लागू होगी, इसके लिए कौन कौन आदमी जिम्मेदार होंगे। आप आज हुए अलग से फोर्स बनाइए, अलग से बिहार के युवाओं को नौकरी दीजिए और उनको जिम्मेदारी दीजिए कि अगर शराब एक जगह एक बूंद भी अगर पकड़ी जाती है पुलिस द्वारा, फोर्स द्वारा, किसी द्वारा, पब्लिक द्वारा, इसमें आपको सस्पेंड किया जाएगा या आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। देखिए शराबबंदी का कल ही से शराबबंदी हो जाएगी पूरी बिहार में, कहीं शराब नहीं मिलेगा। तो क्या लगता है कि टूना जी पांडे बिहार में खास करके सिवान में शराबबंदी है, दिख रही है? नहीं नहीं, शराबबंदी पूरे बिहार में नहीं है भाई साहब, सिवान में क्यों खाली कह रहे हैं आप? अच्छा, पूरे बिहार में शराबबंदी धरातल पर कहीं लागू नहीं है, कागज में लागू है। अच्छा, लोग तो यहाँ पे इस तरह कहीं दो राय नहीं है, इसकी पूरी विफलता सरकार की है। जी जी जी, अभी आप देखे ना जी, हमें नहीं कहानी चाहिए। जी जी, जो BJP शराबबंदी के खिलाफ थी। जी जी, क्योंकि जब शराबबंदी हुआ उस टाइम BJP की सरकार नहीं थी, जदयू और RJD एक साथ थी। जी जी, तो जितने BJP के नेता थे छाती पीट रहे थे कि शराबबंदी नहीं होनी, गलत है, ये है वो है। तत्कालीन उस टाइम माननीय, अब तो भाई इस दुनिया में नहीं रहे श्री सुशील मोदी जी, उनकी भगवान आत्मा को शांति दे, बहुत अच्छे लीडर, बहुत अच्छे नेता रहे BJP के। जी जी, उनके नेतृत्व में सब लोग धरना प्रदर्शन देता था। जी जी, कि शराबबंदी ढकोसला है। जी, तो अब जब BJP साथ में आ गई, अब कहती है शराबबंदी ठीक है। जी, अब तो हमें समझ में नहीं आता है राजनीति किस स्तर पर पहुंच गई है, कुर्सी के लिए कोई कुछ कर दे रहा है। अभी देखिए, राजा को एकदम बिल्कुल प्रशासनिक स्तर से मजबूत होनी चाहिए। आखिर राजा को ऐसा होना चाहिए कि हाथ से तीरे धनुष टूट जाए, गिर जाओ, नीचे चल जाओ आराम से, वो तो नहीं, हाथ में ताकत रहेंगे जो चला दे तीर। जी जी जी,
तो आप तो भाई प्रशासन किसमें विफलता आप नहीं कह सकते हैं, इसमें सरकार की विफलता है। प्रशासन पर कितना बोझ दीजिएगा आप। एगो डीएम साहब कोची कोची कर रही है भाई, हमारा नहीं क्या बुझात, चकबंदियों कर रही है, नसबंदियों कर रही है, मारो झगड़ा फर रही है, चोरियों रुकवाई है, दारूओ रुकवाई है, अब फोर्थवा वतन है जी। अभी बताए कैसे होगा जी। जी तो कहीं ना कहीं टुन्ना जी पांडे का साफ तौर पे आरोप है कि बिहार में शराबबंदी नहीं है, इसके जिम्मेदार बिहार के बिहार में शराबबंदी नहीं है और बिहार में इसकी सारी जवाबदेही जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सरकार की एक गलत नीति के चलते बिहार में इतने लोग मर रहे हैं जी। जी हम तो कहेंगे कि न्यायालय को संज्ञान लेकर सरकार के विरुद्ध केस करना चाहिए, सरकार को न्यायालय में बुलाना चाहिए। इसके ऊपर क्या आपको कहना है जी। जी जी ये थे हमारे साथ फोन लाइन पे टुन्ना जी पांडे, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखा है और साफ तौर पे कहा है कि बिहार में, खास करके पूरे बिहार में शराबबंदी कहीं भी लागू नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टुन्ना जी पांडे, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद प्रणाम। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर।